गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग क्लास 10 विषय हिंदी में जो सूरदास जी द्वारा रचित चौथा पद है उसको पढ़ेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग सूरदास जी के द्वारा रचित तीन पद पढ़ चुके हैं, आज चौथा और अंतिम यानी इस चैप्टर में कुल चार पद दिए गए हैं, जिसमें से तीन हम लोग पढ़ चुके हैं, चौथा पद आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए सूरदास जी द्वारा रचित जो चौथा पद है उसको देखते हैं, पढ़ते हैं। क्या कहे हैं? कहे हैं, हरि है हरी है राजनीति पढ़ियाए, समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए, इक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बढ़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए, उधौ भले लोग आगे के परहित डोलत धाए, अब अपने मन फेर पाई है चलत जो हुते चुराए, ते क्यों अनीति करे आपुन जे और अनीति छुड़ाए, राज धर्म तो यह सूर जो प्रजा न जानी सताए। प्रस्तुत जो पद है इसमें गोपियां जब श्री कृष्ण उद्धव को योग का संदेश लेकर के गोपियों के पास भेजते हैं तो गोपियां तमाम प्रकार से, तमाम बातों के माध्यम से, तमाम उदाहरणों के माध्यम से उद्धव पर व्यंग कर रही हैं, उद्धव को उलाहने दे रही हैं। क्या कह रही हैं? आइए देखते हैं। कहती हैं गोपियां कि श्री कृष्ण तो पहले से ही चालाक थे। कहती हैं, हे उद्धव, श्री कृष्ण तो पहले से ही चालाक थे लेकिन अब और चालाक हो गए हैं। मथुरा जाने के पश्चात वहां पर उन्होंने राजनीति पढ़ ली है और अब जो उनकी बुद्धि है वो बड़ी हो गई है, तभी तो श्री कृष्ण हम लोगों के पास योग का संदेश भेजेंगे। गोपियां क्या कहती हैं? कहती हैं, हरि है राजनीति पढ़ी आए। कहती है हरि, हरि माने श्री कृष्ण, श्री कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है, श्री कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ लिया है। और क्या कहती है? कहती है, समझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। हे मधुकर, समझी बात, मैंने आपकी सारी बात समझ ली है और सारी बात समझने के बाद समाचार सब पाए, सारे समाचार हमने पा लिए हैं, जितना भी समाचार है उन सभी को हम लोगों ने जान लिया है, यानी आपके बात को समझ करके मैंने आपकी सारी बात को समझ लिया है और सारा समाचार हमने पा लिया है। आगे क्या कहती हैं? कहती हैं, इक अति चतुर होते होते पहले ही, एक तो श्री कृष्ण पहले से ही बहुत चतुर थे, श्री कृष्ण पहले से ही बहुत चालाक थे लेकिन अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, अब उन्होंने बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए हैं। पहले तो चालाक थे ही श्री कृष्ण,
लेकिन अब मथुरा जाने के पश्चात उन्होंने बड़े बड़े ग्रंथ को पढ़ लिया है। आगे क्या कहती हैं? कहती हैं बढ़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, हम लोगों ने जान लिया है कि अब उनकी बुद्धि बड़ी हो गई है, वो अधिक बुद्धिमान हो गए हैं, इसीलिए तो जोग संदेश पठाए, इसीलिए तो उन्होंने योग का संदेश हम सभी के लिए पठाए, मैंने भेजा है। तो कहती हैं कि अब उनकी बुद्धि बड़ी हो गई है, वो अत्यंत बुद्धिमान हो गए हैं, इसीलिए तो उन्होंने योग साधना का संदेश, योग का संदेश हम लोगों के पास भेजा है। फिर क्या गोपियां उद्धव से कह रही हैं? कह रही हैं उद्धव भले लोग आगे के, कहती हैं गोपियां उद्धव से कि हे उद्धव आगे के, यानी पहले के जो भले लोग थे, पहले के लोग बड़े ही भले थे, बहुत ही अच्छे थे, परहित डोलत भाए। परहित माने दूसरे के हित के लिए, दूसरे के भलाई के लिए, डोलत भाए माने दौड़ते रहते थे, दौड़ते फिरते थे, दूसरों की भलाई के लिए निरंतर तत्पर रहते थे, तैयार रहते थे। तो कहती हैं हे उद्धव पहले के जो लोग थे वो बड़े ही भले थे, बहुत ही अच्छे थे, जो दूसरों की भलाई के लिए, दूसरों के हित के लिए सदैव दौड़ते फिरते थे। अब क्या गोपियां कह रही हैं? अब गोपियां कह रही हैं अब अपने मन फेर पाई हैं चलत जुगुते चुराए। वो कहती हैं उद्धव श्री कृष्ण अब हमारा मन वापस हमें कर दें, हमें फेर दें, अर्थात वापस कर दें। हमारा मन कौन सा मन? चलत जुगुते चुराए, जो मथुरा जाते समय, चलते समय अर्थात मथुरा जाते समय जिस मन को, जिस हृदय को क्या किया था उन्होंने? चुरा लिया था। तो कहती हैं गोपियां हे उद्धव श्री कृष्ण अब हमारे उस मन को, जिसको कि वो मथुरा जाते समय चुरा लिए थे, हमें क्या कर दें? हमें वापस कर दें। फिर क्या कहती हैं? कहती हैं ते क्यों अनीत करे आपु जे और अनीत छुड़ाए। गोपियां कहती हैं कि श्री कृष्ण मथुरा जा क्यों गए थे? मथुरा वो कंस जैसे अत्याचारी को दंड देने गए थे, मथुरा से अत्याचार को मिटाने के लिए, कंस का वध करने के लिए गए थे। तो कहती हैं ते क्यों अनीत करे आपुन, तो वो अपने पे ही के अपने लोगों पर क्यों अत्याचार कर रहे हैं, क्यों अनीति कर रहे हैं, जो कि जे और अनीति छुड़ाए, जिसने दूसरों के ऊपर हो रहे अत्याचार को छुड़ाया है, वो भला अपने ही लोगों पे क्यों अत्याचार कर रहे हैं, क्यों अनीति कर रहे हैं। अंतिम में गोपियां उद्धव से कहती हैं कि राज धर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाहि सताए। सूरदास जी कहते हैं, गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव राज धर्म तो यह, कि राज धर्म तो यही है, एक राजा का धर्म तो यही है, राज धर्म तो यही है, जो प्रजा न जाहि सताए, जो अपने प्रजा को कष्ट न दे, अर्थात अपने प्रजा की रक्षा करे। तो इस प्रकार से गोपियां अपनी बातों को, अपने मन के कष्ट को कह रही हैं उद्धव से, क्योंकि श्री कृष्ण ने उद्धव के माध्यम से योग का संदेश लेकर के गोपियों के पास भेजा था, और गोपियां चूंकि पूर्ण रूप से कृष्ण प्रेम में
लीन है, अतः वो इस योग का संदेश सुन करके अत्यंत दुखी हो रही हैं। अतः वो अपने मन की बात को, अपने विचार को इस प्रकार से व्यक्त किया। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।